आवारा पशुओं के लिए सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन आवारा पशुओं को कहीं नहीं मिल पा रहा है ठिकाना। गौशाला के नाम पर पशुओं का हो रहा है उत्पीड़न। आखिर आवारा पशु जाएं तो जाएं कहां जाएं? सरकार ने आदेश तो दे दिए कि सभी गांवों में बनेंगे गौशाला, गौशालाओं के लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा, लेकिन किसी भी गांव में अब तक नहीं बन पाई है गौशाला। जहां कहीं बनी भी है तो आधी अधूरी ही पेंडिंग पड़ी है। जहां पर पूर्ण भी बन चुकी है वहां भी आवारा पशुओं को ठीक ढंग से चारा पानी नहीं मिल पाता। भूख और प्यास से कई बार दम तोड़ते हुए ये आवारा पशु नजर आते हैं। मजबूरन आवारा पशुओं को सरकारी विद्यालय में शरण लेनी पड़ती है। मानो कि जैसे बच्चों की छुट्टी होती है तो विद्यालय में जानवरों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। आवारा पशु कहीं किसानों की हरी भरी फसलों को चौपट कर रहे हैं तो कहीं चौराहे पर टहलते हुए नजर आते हैं। पूरा मामला प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के पूरब गाँव प्राथमिक विद्यालय का है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा पशु नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार नदारद है। सर क्या नाम है आपका? मारूफ है, पूरब गांव प्राथमिक विद्यालय है जी। यहाँ पर इसी तरह जानवर रोज बैठते हैं? यहाँ पर डेली बैठते हैं, 50-40 जानवर डेली बैठते हैं यहाँ पर जी।